हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिचाज क्रिएशन। और आज हम वेज हॉट डॉग बनाने जा रहे हैं। हॉट डॉग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन पीस लिया है, कद्दूकस कुकम्बर लिया है, कैरेट लिया है, कॉर्न लिया है और मैंने यहाँ पे रेड कैप्सिकम ली है। आप चाहें तो किसी भी तरह की वेजिटेबल्स ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हो, जो आपके बच्चों को अच्छी लगती हो। 2 से 3 स्पून इसमें ऑयल डालने के बाद सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल देंगे और हम इसे अब कुक करेंगे। वेजिटेबल्स डालने के बाद आप 5 से 6 मिनट तक इसे कुक कीजिएगा। कुक करने के बाद हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, हमारी ये रेसिपी 10 से 15 मिनट्स में बनकर तैयार हो जाती है और बच्चों को आप लंच बॉक्स में ये दे सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हमें बहुत जल्दी होती है, हम सोचते हैं क्या बनाएं। तो ये रेसिपी आपकी 10 से 15 मिनट्स में बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें 2 स्पून मायोनीज डालेंगे। फ्रेंड्स, मायोनीज आप किसी भी तरह का ले सकते हैं, मार्केट में बहुत तरह के मायोनीज आते हैं, ओटकर का आता है, हेंस का आता है। बारी आती है हमारे ब्रेड की। मैंने ब्रेड को बीच में से कट कर लिया है, आप इसी तरीके से कट कीजिएगा। मैंने यहाँ पे छोटे वाले ब्रेड लिए हैं, अगर आप चाहें तो मार्केट में बड़े वाले भी मिलते हैं, तो मैंने यहाँ पे छोटे ही यूज़ किए हैं। अब इसमें हम वेजिटेबल की फिलिंग करेंगे। आप चाहे तो इसमें बन में अंदर थोड़ा सा बटर लगा सकते हैं। अब मैं इनको इसमें फिल कर दूंगी। फ्रेंड्स, मैं आज आपको 2 से 3 तरीके से फिल करना बताऊंगी, जिस तरह से आप आसानी से इसे फिल कर सकते हैं। हम ब्रेड को साइड से कट करेंगे। साइड से हमें पूरा इसे कट नहीं करना है, हमें इसे थोड़ा ही कट करना है। उसके बाद हम इसमें फिलिंग कर देंगे वेजिटेबल्स की। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी है और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका जो है, हम बन को लेंगे, उसके बाद हम बन को हाफ पूरा कट करेंगे। उसमें हमने हाफ कट किया था, इसमें हम इसे पूरा कट कर लेंगे। इसके बाद हम फ्राई पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे। बटर डालने के बाद हम इसे फ्राई पैन पर रख देंगे। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा कुक कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप इसे ज़्यादा मत कुक कीजिएगा वरना ये जल जाएगा। हम इसे थोड़ा थोड़ा ही कुक करेंगे। कुक करने के बाद इस पे आप मायोनीज और केचप दोनों लगा सकते हैं। दोनों तरीके से ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।